रखेंगे अच्छे से, क्योंकि आज का ब्लॉग जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग सोचते होंगे ना कि हर ब्लॉग में मैं यही बात कहती हूँ, लेकिन सच में गाइस आज जो ब्लॉग आपको मिलने वाला है ना, वो देख करके मुझे लगता है आपका दिल खुश हो जाएगा। तो आज का ब्लॉग जो है वो है कि हु नोज मी बेटर, और आइकन बेल बटन जो है प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आपके पास नोटिफिकेशन फटाफट पहुंचे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में थोड़े से छोटे से ब्रेक के बाद, और कुछ सवाल जो है मैं अपने भाई से पूछूंगी, तो आप भी देखना कि मेरे कौन सा भाई जो है मुझे सबसे अच्छे से जानता है। तो पहले चलते हैं और थोड़ा तैयार हो लेती हूँ, फिर प्रिंसेस को मिलना। तो मैं इधर आओ, कोई काम का नहीं है, बैठ रहे लोग के साथ बोलो। अभी पिटाया है, दोनों पिटाया है वैसे, क्योंकि इन लोगों ने जल्दी कैमरा सेटअप नहीं कर रहा था, और प्रिंसेस अभी बस थोड़ा सा बिजी हुई है, मम्मी उसको खिला रही है। फिर भी इन लोग जल्दी जल्दी काम नहीं करता है, इन लोग ये नहीं सोचता है कि वो रोने लगेगी तो मेरे लिए कितना मुसीबत हो जाएगा। यार गाइस, आपको जैसे कि इंट्रोडक्शन में तो पता चल ही गया होगा कि आज जो है मैं कुछ सवाल करने वाली हूँ अपने बड़े वाले भाई से और अपने छोटे वाले भाई से, यानी कि बड़ा भाई वर्सेस छोटा भाई, ठीक है ना। तो बड़ा भाई वर्सेस छोटा भाई, देखते हैं कौन मेरे बारे में सबसे ज्यादा जानता है। यानी कि आज जो है, आज पूरा ब्लॉग जो है इसी पे है कि हु नोज मी बेटर, ठीक है। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन, मैं बताऊंगी और तुम लोग आंसर देना। अच्छा, आंसर तब देना है जब मैं करूंगी 1 2 3, तब हाथ खड़े कर लेना है। अच्छा, ऑप्शंस रहेंगे? नहीं, कोई ऑप्शंस नहीं। अच्छा, डायरेक्ट 1-1, डायरेक्ट 1-1 क्वेश्चन, और मैं सिर्फ करूंगी 1 2 3, जो सबसे पहले हाथ उठाएगा। अच्छा, इसमें गिफ्ट भी है, ये भी सही है, गिफ्ट होने से थोड़ा सा। गिफ्ट क्या है पूछो? क्या गिफ्ट? वो बैटन के लिए। अच्छा, क्या गिफ्ट है? गिफ्ट बहुत अच्छा है, तुम लोग सोच के देखो क्या गिफ्ट हो सकता है। गैस कुछ कपड़े वगैरह हो सकते हैं, नहीं तो कुछ। आईफोन 20। वाह, सही में? हाँ, ये तो विश्वास तो नहीं हो रहा है। ओह, अभी आईफोन 40 नहीं आया है, 20 कहाँ आया है अभी तक मार्केट में? ये तो वैसे 20 हम तो हम लोग आईफोन के नाम पे एक्साइटमेंट हो गया, तो फिर वो बीच आगे वाला नंबर के बारे में तो सोचे ही नहीं, क्योंकि अभी तक आईफोन मिला नहीं है। और ये 20-21 क्या ध्यान था, आईफोन बोली दीदी, तो थोड़ा सा अंदर से ये हो गया। चलो चलो, लेट्स स्टार्ट। अब जो है पहला सवाल ये है, अनिल चाहो तो वो बैग भी दे सकते हैं। हां, गिफ्ट तो गिफ्ट होता है, तो तुम लोग गर्ल्स बैग यूज करोगे? गर्ल्स बैग यूज करोगे? कौन सा गर्ल्स? हाँ, पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज माय फेवरेट कलर? 1 2 3, ब्लैक, पिंक, ब्लैक। 1-0, 1-0, चल। मेरा आइसक्रीम में सबसे पसंदीदा फ्लेवर कौन सा है? 1 2 3, चॉकलेट होगा या फिर वैनिला, ये दो में मेरा कंफ्यूजन है, या फिर चॉकलेट नहीं तो वैनिला। वैनिला, तुम बता। वैनिला, वैनिला या चॉकलेट, एक ही आंसर देना है। वो वैनिला बोल दिया क्योंकि मेरा दोनों था, तो हमको चॉकलेट की तरफ जाना पड़े। वैसे मेरा दोनों आंसर था, अगर कोई दोनों में से अगर कोई सही होता, एक हाफ पॉइंट मिलना चाहिए। ये हाफ पॉइंट नहीं होता है, 1-1 ऐसे तो हाफ पूरा। ठीक है, मेरा भी वैनिला ही है। वैनिला, दोनों रॉन्ग, मेरा चॉकलेट है। चॉकलेट, खैर हम दोनों सही गैस किए, कभी वैनिला चॉकलेट, लेकिन चलो कोई नहीं, कभी गैस सही किए। हाँ, इसने हम चॉकलेट की तरफ जा रहे थे, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन पूछते समय दिए थोड़ा कंफ्यूज कर दी, इसलिए वैनिला की तरफ जाना पड़ा। वो तो मेरा काम है। फिर भी कम से कम गैस सही करने के लिए हाफ पॉइंट मिलना चाहिए। नहीं, नो पॉइंट, 1-0।
हमको जानते थे जो पापा का वो दीदी का आयर, अब ये ध्यान नहीं है मेरे को, लगता कन्या रहती है ये सही। टू जीरो हो गया, टू जीरो। मुझे किस जानवर से सबसे ज्यादा डर लगता है? मंकी, बंदर। हाँ मंकी बंदर, कुत्ते से तो बहुत। तो जो पहले बोलेगा उसको पॉइंट मिलेगा कि जो बाद में बोलेगा उसको पॉइंट मिलेगा? नहीं सॉरी, इसमें मैंने थ्री तो काउंट ही नहीं किया। फिर भी यार कौन तो पहले बोला? कौन बोला पहले? पहले तो हम ही बोले। हाँ पहले वही बोला, यही बोला। कॉफी, कॉफी ने लेके बैठी है। कॉफी थोड़ा उतना अच्छा डिजाइन का नहीं था तो खराबी मेरे मोबाइल की। कॉफी लेके बैठने की क्या जरूरत, मोबाइल ध्यान से बैठ। तो स्कोर था 2-0 और बीच में प्रिंसेस बहुत तेज तेज चिल्लाने लगी थी तो फिर मैं चली गई। अब फिर से मैं गेम स्टार्ट करती हूँ और ये पूछ लिया था ना किस जानवर से डर लगता है, उसका जवाब मंकी था तो उसी के बाद स्कोर 2-0 हो चुका। 2-0 मतलब इधर तीन क्वेश्चन हुए हैं जिसमें से पहला मेरा सही था, दूसरा तो दो ऑप्शन वेनिला चॉकलेट वाला था, तीसरा क्वेश्चन मंकी वाला था। चल अब आगे बढ़ते हैं। टाटा टाटा। कौन बनेगा करोड़पति? करोड़ जीत है। मुझे एक इंसान में सबसे गंदी आदत क्या लगती है? 1-2-3 तो कर दो फिर। 1-2-3। अगर दीदी के ऊपर कोई चिल्लाता है तब वो आदत दीदी को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि दीदी जनरली किसी पे चिल्लाती नहीं है और अगर कोई उस पे चिल्ला दे तो दीदी को ही अच्छा नहीं लगता। ये मेरे एक इंसान में मुझे सबसे गंदी आदत क्या लगती है? वही तो बोले, अगर तुम्हारे ऊपर वो बिन मतलब वो चिल्ला दे या फिर जजमेंट, ये राइट, बिना फिजूल के जजमेंट करना किसी और पे। एक तो English. क्या फोन यूज करना चाहेंगे? जो भी आंसर बोल रहे थे दो में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। 0-0 अगर मैच ड्रॉ होता है तो इस पॉइंट को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है तो उसमें मैं और एक दो सवाल पूछ लूंगी। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है, डिसाइडर वाला। 2-1-2-1 ठीक है। मेरा फेवरेट हीरो, ये तो सबसे आसान है। 1-2-3 करो। हाँ तुम बोलो कोई बात नहीं। सलमान खान। मेरा फेवरेट हीरो पहले तो चलो सलमान खान था, अभी रिसेंट का मैं पूछी हूँ। ये क्या ऋतिक रोशन ही है? तो ऋतिक रोशन भी तो फिर पहले का ही हो गया दोनों का। नहीं नहीं तो ऋतिक रोशन पहले का है लेकिन मुझे पसंद सलमान खान। अभी कौन है? अभी कौन है पसंद? मेरा तो सलमान खान ही आंसर है, बाकी हो सकता है ऋतिक रोशन। ठीक है दोनों रॉन्ग। मेरा अभी फेवरेट हीरो है रणवीर सिंह। इससे चल
रणवीर कपूर बोलती थी तुम। नहीं अभी मैक्सिमम लोग का वही फेवरेट है रणवीर सिंह, मेरा कभी नहीं। अगर हम ये सही भी बोल देते ना आंसर तो हम अपना आंसर वापस ले। नहीं रणवीर कपूर फिर भी माना जा सकता है लेकिन उसका फिल्म अभी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन रणवीर सिंह का फिल्म नहीं और वो एनर्जेटिक भी बहुत ज्यादा लगता है रणवीर सिंह, और उसके कुछ कुछ अच्छे अच्छे मूवी जो है वो बहुत अच्छे लगे मुझे। नहीं वो अभी तक अभी बहुत किसी लड़कियों का फेवरेट बना हुआ है। चलो एक टाइम था पहले सलमान था अभी रणवीर है। फेवरेट हीरोइन कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ इसमें भी दोनों जीरो। मेरी फेवरेट हीरोइन अभी है दीपिका पादुकोण। पहले ऐश्वर्या राय थी अब दीपिका पादुकोण, मतलब ऐश्वर्या राय अभी भी है, मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों फेवरेट इसका। ऐसा हिंट दिया जा सकता। चलो गए 2-1 स्कोर। चलो ये सवाल तो मुझे लगता है तुम लोग सब कोई जानता होगा, पूरे घर में सब लोग जानता होगा। जीजू का फोन नंबर का लास्ट 2 डिजिट बताओ। नहीं इसका तो कोई गैस ही नहीं है, अपना ही खाली याद है और पापा का। इसमें 0-0। शादी के कितने साल हो गए? तीन साल हो चुके। चार साल एकदम एग्जैक्ट बताना। एग्जैक्ट एकदम एग्जैक्ट नहीं तीन साल। तीन साल तीन साल तीन साल पांच महीने छह महीने नहीं एक मिनट मैं चल रहा है ना। हाँ तीन साल पांच महीने। हाँ तीन साल पांच महीने और कुछ दिन। हाँ तो ये पहले बोला है बाद में बोला है। ये तो गलत हो गया। नहीं ये कैसे गलत हो गया? ये तीन साल पांच महीने पहले बोला। हाँ ये तीन साल पांच महीने पहले बोला। चलो दो हो गया। हाँ टू टू। हाँ मेरा शू साइज क्या है? सिक्स। पैर ना एट होगा। एट बराबर दो तीन तुम्हारा दो इसका। अरे हमारे फेवरेट मिठाई मीठा तो पसंद ही नहीं है। मीठा पसंद नहीं है लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो खाती ही हूँ मैं। गुलाब जामुन बताओ। I think फोनो फिटिंग है। फोनो फिटिंग कम चार ऑप्शन तो दो। नहीं चलो गुलाब जामुन की इर्द गिर्द रहे मेरा गुलाब जामुन। तुम्हारा जलेबी। जलेबी नहीं गुलाब जामुन। थ्री थ्री विकास का नंबर किस नाम से सेव है मेरे फोन में? हबी। हबी हबी दिल दिल करके और स्माइल भी है। नहीं अब तो ये वाला पॉइंट मिलना चाहिए। लेकिन स्माइल भी था इसमें तो दोनों को मिला है। नहीं ये फेल वही आज ठीक है तो फेल ले दो दिया से तो फिर उसी हिसाब से मेरा बस 4-3। चलो ठीक है मेरा फर्स्ट ट्रिप कहां रहा था? पढ़ाई के लिए मत कह देना कि पढ़ाई के लिए रांची गई थी तो वो मेरा फर्स्ट ट्रिप नहीं ऐसे घूमने के लिए। मैं दीदी जी जो एक बार गए थे रांची वहां से दार्जिलिंग जाना था लेकिन वो प्लान कैंसिल। नहीं मेरा मेरा मेरा, मेरा सिर्फ अकेले का। हाँ मेरा पैर जयपुर नहीं पता है। नहीं पता है मेरा पहला ट्रिप रहा था गुवाहाटी। कब गई थी? गई थी ये क्या 673 बोल दिया था आगे का डिजिट आ जाएगा ना उसमें। पांच पॉइंट हाँ, 5.3 पांच चार नहीं तीन तीन आज तीन तीन
कितने फॉलोअर्स हैं मेरे? 293k. नहीं नहीं अभी बहुत ज्यादा बोल दी. जल्दी जल्दी इंस्टाग्राम पे मेरे कितने फॉलोअर्स हैं? अगर आप लोग चाहेंगे तो मेरे और भी बढ़ सकते हैं. 2000 समथिंग है. दोनों गलत. 7000 समथिंग है. क्वेश्चंस खत्म. हाँ क्वेश्चंस खत्म. 5-3 तो है. हाँ तो विनर हो गया है ये. और ये अभी मुझे कम ध्यान रहा है लेकिन हो सकता है नहीं जानता तो है ही जानते कुछ क्वेश्चंस. वैसे अगर ध्यान से देखा जाए तो बहुत 2-3 क्वेश्चन है मेरा. दो ऑप्शंस था. दो ऑप्शंस कोई एक सही तो हाफ मार्क्स मिल रहा. नहीं भी मिल रहा फिर भी हम जीत रहे लेकिन इससे ये तो पता चलता है ना कि अगर ऑप्शंस रहता तो सही. अच्छा चलो कोई नहीं. आपस में लड़ाई भी कर लिए इन लोग पॉइंट्स के कारण तो ये होता रहता है. हम भाई बहनों में ऐसा होता रहता है. हर घर के भाई बहन में लड़ाई ये एक तरह से प्यार जताने का ही तरीका है. अच्छा ऐसा भी होता है कि कभी मैं इन लोगों को पीट भी देती हूँ. वो सब देखो जो बड़े उसका काम है. आप बदमाशी कर रहे तो थोड़ा बहुत चलता है. ऐसा कोई नहीं. तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि अब इन लोगों का मूड थोड़ा सा लड़ने वाला हो गया है. कि कौन किसको ज्यादा जानता है. तो इसलिए अभी शांत बैठे हैं. बस ऑफ कैमरा जैसे जाएंगे वैसे ही देखना. वो भी अगर हो सकता है तो मैं अगर क्लिप ले पाऊँ अगर मुझे टाइम मिला तो अगर मैं क्लिप ले पाऊँ तो मैं वो भी दिखाऊंगी कैसे दोनों बहस करते हैं मुझे लेकर के. क्योंकि मानते दोनों बहुत ज्यादा है मुझे. ऐसा नहीं है कि कोई एक भाई ज्यादा मानता है एक भाई कम मानता है. दोनों बहुत प्यार करते हैं. क्योंकि मुझे याद है मेरी शादी के टाइम दोनों रोए थे. क्योंकि बहुत छोटे थे उस समय. हाँ टेंथ में था. तब भी बहुत ज्यादा रोए थे दोनों. तो ऐसा नहीं है. तो बस प्यार भाई बहनों का ऐसा चलता रहता है. ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. और साथ में आइकन बेल बटन जो है उसे प्रेस कर दीजिएगा. और ढेर सारा प्यार देते रहिए ढेर सारा सपोर्ट देते रहिए. इंस्टाग्राम आईडी जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी. और इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लो जितना ज्यादा हो सके. इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे प्यार देते हैं क्या? हाँ सही बात है. और ऐसे अगर वीडियो और भी कुछ आप चाहते हैं कि मैं अपने भाई से कोई टास्क करवाऊं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना. सो तब तक के लिए बाय 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 बाय. और कमेंट में जरूर बताना कि ब्लॉग कैसा लगा आपको. बाय लव यू ऑल.